ओके, तो इम्प्रेशंस डाउन होने के ये टू रीजंस है, एंड इसका सॉल्यूशन भी है, वो भी मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ, एंड में या फिर बीच में बता दूंगा। तो वीडियो स्किप किए बिना पूरा देखिए। अगर आप स्किप किए बिना समझते हो तो आपके इम्प्रेशंस में 100% लिंक कर देता हूँ। आपका इम्प्रेशंस बहुत ज्यादा जाएगा, व्यूज भी ज्यादा आने वाले हैं, आपके सब्सक्राइबर्स भी जल्दी से इंक्रीज हो जाएंगे। सो आपको अगर आपका चैनल जल्दी से ग्रो करना है तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। बट आप चैनल पर न्यू तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और जनरल कंटेंट इस चैनल पर मिलते रहते। ओके, तो इम्प्रेशंस डाउन होने के टू रीजन से, एंड उसको टू पार्ट में हमने डिवाइड किया है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करके पूरा समझाने वाला हूँ तो आपको टू पार्ट्स में समझ आएगा। मतलब कि एक साथ समझाऊंगा तो आपको नहीं समझ आएगा, डिफरेंट डिफरेंट में समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा, जल्दी से आप समझ जाओगे टू पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट है डेली वीडियोस अपलोड नहीं करना। अगर आप डेली वीडियोस अपलोड नहीं करते हो, बीच में बहुत ज़्यादा गैप रखते हो, तो आपके इम्प्रेशंस तो डाउन होने वाले, ये तो नॉर्मल है, क्योंकि आपके वीडियोस नहीं आते तो भाई इम्प्रेशन जाने वाले नहीं ना। बड़े बड़े क्रिएटर्स की भी देखिए, वीडियोस नहीं डालते तो उनका इम्प्रेशन डाउन हो जाते। सो आप ये गलती मत करना कि इम्प्रेशन डाउन हो जाएंगे तो भाई आपके व्यूज़ ही नहीं आएंगे और सब्सक्राइबर्स भी कुछ इंक्रीज नहीं होने वाले। सो ये बात ध्यान में रखने, डेली बाय डेली वीडियोस अपलोड कीजिए। आप वीडियो अपलोड नहीं करते हो तो आपके इम्प्रेशंस डाउन होने वाले, 100% आपके इम्प्रेशंस जरूर डाउन होंगे। एंड सेकंड पॉइंट है CTR, वॉच टाइम कम होना। आपका CTR अच्छा नहीं है, वॉच टाइम भी कम है, तो आपके इम्प्रेशंस ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आपका CTR अच्छा होता है, वॉच टाइम भी अच्छा खासा होता है, तो भाई आपके इम्प्रेशंस लाखों में जाने वाले, क्योंकि CTR जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना वॉच टाइम इम्पोर्टेंट होता है अपने इम्प्रेशंस के लिए। इम्प्रेशंस ज़्यादा कराने तो आपका CTR अच्छा होना चाहिए, वॉच टाइम भी अच्छा होना चाहिए। अगर ये दोनों कम है तो भाई आपके इम्प्रेशंस ज़्यादा नहीं जाने वाले। आपके वीडियोस पर कितने भी व्यूज आने लो, लेकिन आपका CTR कम है, CTR डाउन है एंड वॉच टाइम भी डाउन है, तो भाई कुछ नहीं होने वाला आपका, मतलब चैनल पर व्यूज नहीं आएंगे। सो ये गलती मत करना। एंड मैं अभी आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं, इतना इजी है, आपको भी पता ही होगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, डेली वीडियोस अपलोड करना। आप डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स को समझ जाता है कि हाँ इस टाइम पे इसका वीडियो आने वाला है, एंड डेली वीडियोस तो आती है, सो एक्साइटेड रहते हैं अपने वीडियोस देखने के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा गैप रखोगे तो अगले वीडियो मतलब कि आपका अगला वीडियो वो नहीं देखेगा। सो ये गलती मत करना, आपको डेली वीडियोस अपलोड करना है, मतलब डेली वीडियोस अपलोड करना ही है। कुछ भी हो जाए, एक दो घंटा भाई 3 आवर्स तक अपने मिनिमम 3 आवर्स दे दिया ना यूट्यूब के लिए, सो बहुत फायदा होने वाला आपका, बहुत फायदा, तभी आपका चैनल डेड नहीं होगा एंड इम्प्रेशंस भी लाखों में जाएंगे एंड व्यूज तो हजारों में आ ही जाएंगे। सो ये इसका सॉल्यूशन, आपको समझ जाओगा इसका सॉल्यूशन। अगर आपको SEO करना सीखना है तो भाई लेफ्ट वाला वीडियो देखिए एंड SEO करना सीख जाइए, आप राइट वाला वीडियो देखकर भी बहुत कुछ सीख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।